राक्षस पहले रक्षक थे, राक्षस का मतलब ही है बेसिकली रक्षक। ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस बेसिकली क्या होता है कि वो राक्षस उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो एक ऐसी रूह है। अब वो खड़ी ऐसी थी कि उसकी बॉडी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फेस उसने टेढ़ा किया हुआ और फेस को कवर था स्कॉफ के साथ। तो कहती मुझे अपने घर ले चलोगे? तो मैं पहले कन्फर्म कराऊँ, ये इतनी भाग रही थी, ये एथलीट, देखूँ तो सही क्या इसने डाला क्या है। कहते जब मैंने देखा तो उसके पैर ही नहीं है नीचे। इसी में ना एक और बात है, अगर मैं बात करूँ एंटिटीज तो ना काफ़ी सारे टाइप्स मैं कह सकता हूँ कि आते हैं एंटिटीज के, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? जैसे लोग कहते हैं ना कि ब्रह्म राक्षस होता है, पिशाचनी होती है, चुड़ैल होती है, डायन होती है, जिन होते हैं, भूत होते हैं, प्रेत, तो मतलब काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स मैं कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता प्रॉपर वर्ड क्या है, बट टाइप्स हम कह सकते हैं। टाइप्स ही है अगर हम आज के हिसाब से बात करें। देखो क्या होता है कि जो सा ब्रह्म राक्षस हो गए ना, ये एंटिटीज़ हैं, ये एंटिटीज़ काफ़ी टाइम बाद आई हैं। जिन चुड़ैल वगैरह ये जिन, चलो ब्रह्म राक्षस तो लेवल 2 कह सकते हैं, जिन चुड़ैल जो सारी चीज़ें हैं ये लेवल 1 की हैं, इनका लेवल बहुत छोटा है। विद इट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाद में मुझे समझाती फिर यहाँ तो ये बताते हैं, ये भी लेवल की हैं बट शक्तियों के लेवल से। अब क्या होता है कि जो सी एंटिटी है ना, एंटिटी बेसिकली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, बट हम नेगेटिव एंटिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जी, नेगेटिव एंटिटी में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ का मतलब वो नहीं कि बढ़िया, मतलब कि सबसे उच्च, एक होता है ना जैसे हरामी और उच्च हरामी, वो उनमें अब स्टार्टिंग होता है असुर हो गए, दानव हो गए, राक्षस हो गए। जी, अब व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई असुर दानव राक्षस एक ही होते हैं? नहीं, ये भी अलग अलग भूत प्रेत। ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस बेसिकली क्या होता है कि वो राक्षस उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो एक ऐसी रूह है, ब्राह्मण की रूह है, जिसने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो ब्रह्म राक्षस बन गया और बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन इतना पावरफुल भी नहीं होता कि किसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, खास करके विश्वास। हाँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखो ना मैं कह रहा हूँ कि जितना मर्जी को पावरफुल हो जाए, ये ओपनली चीज़ है। देखो मेरे सामने कोई चीज़ खड़ी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या पावरफुल है जो मेरे पीछे खड़ा है, मेरा परमात्मा, मैं सीना ताने कहूँगा कि भाई इनके सामने कोई आके दिखाए, उनकी मैं उनके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, कुछ भी आ जाए, जब पैदा ही सब कुछ उन्होंने किया, जो पैदा कर रहा है उसको पता है कैसे ख़त्म करना है, और उन्होंने जानबूझ के सारी चीज़ों को उत्पन्न किया। उसका रीज़न ये है कि जो एनर्जी है वो हमेशा एक आयाम पर काम नहीं करती, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट चाहिए, तब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सिंगल पॉइंट से एनर्जी कभी प्रोड्यूस हो नहीं सकती। तो अभी हमने इतनी एनर्जीज की बात की, तो इनमें से क्या आपके पास किसी पर्सन ने कोई स्टोरी शेयर की इनमें से किसी एनर्जीज के ऊपर? एक मुझे भाई ने लंदन से भेजी है, वो उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, तो वो भाई करते थे हीथ्रू एयरपोर्ट में नाइट शिफ्ट करते थे। वो कहते भाई मैं तो हीथ्रू अपने ना एयरपोर्ट से नाइट शिफ्ट करके उतरा और निकला और बस मैंने पकड़ी, और रात का टाइम था, नेचुरली बात है नाइट शिफ्ट की थी, रात का टाइम था, तो कहते मैं निकला हूँ वहाँ से, और थोड़ी देर बाद ना एक दो स्टॉप के बाद 4 सवारियाँ आके बैठी हैं, तो आपको पता है उसकी रेशो होती है 3-2 की रेशो होती है सीट्स की बस की। कहते जो 3 सवारियाँ थी वो तो एक जगह आके बैठ गई और एक सवारी एक जगह आके बैठ गई और उसके 2 सीट छोड़ के मैं बैठा हुआ था। कहते अब कंडक्टर आया, उसने तीनों की टिकट काटी और उसकी तरफ देखा भी नहीं, आगे चला गया। कहते मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर मेरे दिमाग में आया कि पास वगैरह होगा या रेगुलर कस्टमर होगी होगी उनकी, तो उनको पता होगा कि आ रही रोज आती है, या पास वगैरह व्हाट्सएवर जो भी होगा। कहते थोड़ी देर बाद ना वो लेडी मेरे सामने आके खड़ी होगी। अब वो खड़ी ऐसी थी कि उसकी बॉडी बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, लेकिन फेस उसने टेढ़ा किया हुआ और फेस को कवर था स्कॉफ के साथ। तो कहती मुझे अपने घर ले चलोगे? वो कहता बीबी मैं शादीशुदा आदमी हूँ, हाथ जोड़े तेरे आगे। कहती नहीं लेके जाओगे मुझे? तो कहता नहीं मैं रिकन्फर्म कर रही। तो कहती वो ना खड़ी रही। अब कहता मैं अनकम्फर्टेबल होने पड़ा कि भाई क्या चीज़ है, कुछ इल्जाम उल्जुमी ना ला दे, बाद में पैसे मांगे। कहते अभी मेरा स्टॉप एक स्टॉप आ गया था, इसके बाद मैंने ना सोचा मैं पिछले स्टॉप पे उतर जाता हूँ, चल के चला जाऊँगा, सेफ सिटी है भाई। कहते उतर गया,
वो भी कहते पीछे उतर गई। अब कहते वो ना मैं चल रहा हूँ और वो भी मेरे पीछे पीछे चल रही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ी देर बाद कहते मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंस कम होता जा रहा है, मैं स्पीड अपनी पकड़ रहा हूँ, वो भी स्पीड पकड़ रही है। आमतौर पे लेडीज़ नेचुरली बात है बेली टाइप या ऐसी सैंडल्स या होती हैं जूतियाँ होती हैं जिनमें ज़्यादा चला नहीं जा सकता। फिर कहते मेरे दिमाग में ये भी है कि हो सकता स्पोर्ट्स शूज़ ना डालें, पर कहते ये चीज़ें मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में नीचे सोचते सोचते मैं खड़ा हूँ और कहते एकदम मेरे सामने है खड़ी, रात का अंधेरा था कहते इतना था नहीं, कहते फिर वही पोज सामने और ऐसे कहते तुम लेकर नहीं जाओगे, कहता नहीं मैंने आपको कह दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। कहते उसने फिर बोला, कहते मैं सोचा हूँ कि यह पागल है या फिर पता नहीं क्या चक्कर इसका। कहता है कि मैंने ना एकदम मेरे दिमाग में स्टक हुआ कि मैं पहले कन्फर्म करूँ ये इतनी भाग रही थी एथलीट, देखूँ तो सही क्या इसने डाला क्या है। कहते जब मैंने देखा तो उसके पैर ही नहीं है नीचे, जैसे कि उसकी जो ड्रेस थी ड्रेस के नीचे, अब उसने ये नहीं कहा भाई कि पैर उल्टे थे, कहता पैर ही नहीं थे पीछे, बिल्कुल ब्लैक। अब कहता पहला झटका मुझे ये लगा कि एकदम मैं मतलब देखा मैंने बिल्कुल एकदम झटका नीचे लगा कि कुछ है ही नहीं है, एक तो शौक पहला ये लगा। कहता जैसे मैंने ऊपर देखा उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैक, मतलब ब्लैंक सॉरी ब्लैक नहीं ब्लैंक, चेहरा है ही नहीं है स्कॉफ के। कहता मैं तो भाई हो गया बेहोश। 2-3 दिन बाद मेरी हॉस्पिटल में जाग खुली है, वहाँ पे भाई कहते मेरा लोअर पार्ट सारा पैरालाइज, कहते 7 से 8 महीने मुझे रिकवर होने में लगे उस चीज़ से। उसके बाद फिर कहते मैंने जयराम जी की कहा हिथरू एयरपोर्ट की नाइट शिफ्ट को कि भाई मैं नहीं आ सकता, दिन में करानी है तो करा लो। अब इसमें देखो क्या है, इसमें हो सकता है कि भाई को एलुसिनेशन हो रही हो, पर उनके शरीर पर इतना गंदा इफेक्ट जो पड़ा, ये भी तो एक लॉजिक है ना, ये भी तो एक पॉइंट है कि एक पर्सन पैरालाइज हो गया 7-8 महीनों के लिए। हेलुसिनेशन हो सकती है, लेकिन वो तो हेलुसिनेशन इतनी थोड़ी बड़ी नहीं देर, होती, इतनी बड़ी नहीं होती जैसे ना, मैंने कहा ना वो भाई सो रहा था तो थोड़ी देर का 2-4 मिनट का एक होगा, कुछ घंटों को हो सकता है नहीं नहीं ज़्यादा ज़्यादा तो। घंटों का नहीं, अब वो भी जो से सारा कवरअप हुआ ये भी कुछ घंटों का ही है। हेलुसिनेशन होती है ना वो बड़े कम टाइम के लिए होती है, जी सेकेंड्स या मिनट्स की होती है, क्योंकि जो आपका दिमाग बना रहा है ना वो आपको इतनी देर तक दिमाग में पावर नहीं है कि हेलुसिनेशन को घंटों तक चला सके। अब इसमें हेलुसिनेशन में आपने एक फिल्म में आपको रेफरेंस देता हूँ, आपने फिल्म देखी वो लम्हे, जी कंगना रनौत और हाँ हाँ उसकी शाइनी ओझा, जी उसमें क्या होता था वो बेसिकली स्टोरी है, प्रवीण बॉबी एक्ट्रेस पता नहीं कि डेथ हो चुकी है, वो महेश भट्ट की गर्लफ्रेंड थी और महेश भट्ट ने रेफरेंस दिया है कि भाई उसको हेलुसिनेशन होती थी, वो लड़की जैसे बताइए ना आंखें लाल सी कहते उसको नजर आती थी नहीं बट उसको नजर आती थी, हेलुसिनेट करती थी। बट वो हेलुसिनेशन का जो टाइम इंटरवल होता था चाहे वो मल्टीपल था बट बड़ा छोटा होता था, जैसे उसको झूले पे झूला झूलती दिखाई दे रही है या ऐसा कुछ दिख रही है थोड़े टाइम के लिए बस। वो जिसका थोड़ा सा ओरा वीक होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिसका ओरा स्ट्रोंग होता है ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होगा। अब जैसे मैंने फर्स्ट स्टोरी बताई है कि आ जा भाई हिम्मत है तो ले जा, जहाँ के ले के जाना, देखो बचा लिया ना असली चीज़ होते हुए भी। जी सुनील भाई, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि आपने बताया था कि आपके दोस्त और आपके रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी कुछ स्टोरीज आपके साथ शेयर। एक मेरा नोन है वो फ्रेंड नहीं है, तो वैसे ना मतलब जिसे कहते हैं जान पहचान होती है, तो ना उसने मुझे ना वैसे ही बताई थी, वो भी मैंने कंफर्म किया था थोड़ी सी कुछ साल पुरानी है, लेकिन वो जो इंसिडेंट हुआ था अब जो उसने बताया था उसकी मदर के साथ हुआ था इंसिडेंट, बट उस इंसिडेंट का जो एंड रिजल्ट था ना उसका मैंने पता कराया था, जो उसने बताया था वो सच्ची था। जी कहता कि वो कहता मेरे ना उसका जो वो लड़का था कहता भी मेरे मदर के ना एक रात को कहते कि काफ़ी ज़्यादा रात को सोते हुए चोटें लगी, उनके होठों पर सूजन थोड़ा कट गया होठ साइड से जख्म हुआ था जैसे, और शरीर पर नील पड़े हैं, माथे पर चोट के निशान हैं। तो वो सुबह जब उठी हैं तो उन्होंने कहा कि रात को ना कुछ ऐसा मुझे लगा कि मुझे ना कोई कुछ चीज़ मुझे मतलब मार रही है, और मैं मतलब बता नहीं पा रही किसी को उठ के कि मुझे ऐसा एंटिटी कुछ कर रही है, कोई ऐसी परछाई है या ऐसी, और मैंने मतलब आवाज़ निकालने की भी काफ़ी कोशिश की कि मतलब मुझे आके बचाओ कोई, लेकिन वो चलो दूसरे रूम में थे तो कहते नहीं हुआ। कहते अब ये तो नॉर्मल है कि हमने सोचा कि ठीक है। कहते थोड़ी देर बाद हमें सुबह का टाइम था मतलब 5-6 बजे होंगे 7 बजे होंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, थोड़ी देर बाद हमें 7-8 घर छोड़ के पता लगा कि एक लेडी है उनकी डेथ हो गई है। चलो नॉर्मल थी, ठीक है भाई डेथ हो गई है। कहते जब
मेरे मदर कहते हैं जब गए वहाँ पे, अब लेडी की डेथ हुई है और आखिरी में जब उनको क्रियाकर्म कराते हैं तो नहलाते हैं, वो लेडीज ही नहलाती हैं, कहते जो चोटों के निशान उनको थे ना, सेम वही चोट के निशान उनको। इतना कैसे हो सकता है सिमिलर? अब इसमें ये लॉजिक है कि हो सकता है जो एंटिटी उनको लेने आई है, जिनकी डेथ हुई है, वो गलती से वहाँ पर आ गई और बाद में वो चल के उसने अपना टारगेट कर लिया। कहते जब वो देखा, हैरान रह गए कि मेरे होंठ पर भी निशान है, माथे पर भी निशान है, वैसे ही निशान हुबहू उन पर पड़े हैं। और वो सब कुछ जल्दी जल्दी में कर रहे थे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये निशान कैसे हैं, और वो संस्कार करना चाह रहे थे सो दैट कि कोई पुलिस का केस ना पड़ जाए। वो भी बेचारे मजबूर थे कि अब क्या बताएंगे, कोई कहने को कह सकता कि मार कुटाई ना की हो। जी हालांकि लेडी की थोड़ी सी एज ज़्यादा थी, तो क्या होता है कि जैसे न्यूली मैरिड हो या ऐसा कुछ हो तो फिर तो ससुराल वाले भी मायके वाले भी शोरा कहते हैं कि मार दिया लड़की को, तो वो उनकी आई थिंक एज 50+ थी, तो उन्होंने संस्कार तो जल्दी कर दिया। बट ये एक इंसिडेंट है, फिर मैंने पता किया था कि हाँ अभी ऐसे की लेडी की डेथ हुई थी, ऐसे ऐसे उसने जो तरीक बताया था सही बताया था। अब देखो उसकी मदर के साथ क्या हुआ ये तो मैं वेरीफाई नहीं कर सकता, डेथ हुई है ये वेरीफाइड है। जी अब ऐसे ही ना, ये पाकिस्तान से ही है, कहते मेरे ना दादाजी बताते हैं कि कराची एयरपोर्ट में तब इतना डेवलप नहीं हुआ था, नेचुरली बात है 1955-60-70 की मैक्सिमम इतने की बात होगी, तो तब वो कहते हैं उनकी नाइट शिफ्ट लगती थी तो वो साइकिल पे जाते थे। कहते अभी एक रात क्या हुआ कि कंस्ट्रक्शन हो रही थी पर्टिकुलर रोड पे, और वो उसी दिन शुरू हुई थी तो उनको पता नहीं था कि कंस्ट्रक्शन हो रही रोड में, तो वो जब गए तो वहाँ पर रोड सारी टूटी हुई थी और एक और रोड था थोड़ा सा जो सुनसान, बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो रोड में वो साइकिल से जाते थे, वहाँ पर ज़्यादा व्हीकल चलते थे जो तब के लिमिटेड व्हीकल होंगे, मैं 55 के आसपास की बात कर रहा हूँ, या ट्रक्स होंगे, बसेज होंगी, या कोई विरला जिसके पास गाड़ी गुड़ी होगी, यानी कि साइकिल सूकल वाले कम ही। कहते चलो जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं चलते हैं साइकिल पे। कहते साइकिल पे चले तो उनको एक औरत दिखाई दी, और वो औरत थोड़ी सी देहाती लिबास में थी, गांव के लिबास में थी, शहरी लिबास में नहीं थी, घूंघट थोड़ा सा ओढ़ी थी। तो वो कहती है कि उसने ना हाथ दिया, अब साइकिल भी सवार ही है चाहे साइकिल है लेकिन विदाउट परमिशन नहीं, तो उसने हाथ दिया और कहा हाँ जी क्या बात, क्या मतलब जी। वो कहते हैं कि ऐसे है ना, मेरा पति मुझे लेने आना था पर वो लेने आया नहीं है मुझे, मैं बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रही हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, ये रास्ता बड़ा सुनसान है तो कुछ पता नहीं होता, आप बैठो साइकिल पे पीछे, तो मैं आपको थोड़ी सी आगे, अगर यहाँ पर थोड़ा सा ना होगा कोई रश रुश होगा वहाँ पर, मैं आपको उतार दूँगा, तो आपका जो पति है वो देखेगा यहाँ पर नहीं है तो फिर वहाँ पर ढूंढता आपको चल जाएगा। तभी लोगों के पास इतनी फुर्सत होती थी, जी 1955-60 की बात है, इतना कोई थोड़ा था, चलो चल पड़ते हैं, चलो। कहती ठीक है। कहता वो जो पीछे बैठी ना, तो उसने अपनी वो थोड़ी सी कहानी बतानी शुरू कर दी कि मैं तो अपने पति का कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो नॉर्मल कहते हैं हाँ भाई कब से होगा, 1-2 घंटे से इंतज़ार दो कर रही घंटे होगी। तीन घंटे तो कहते हैं मुझे बोल कर गए थे मैं आऊँगा, इतने साल हो गए हैं वो है नहीं। कहते साल हो गए हैं, मैं कहते मैं सोचूँ कि ये क्या बड़बड़ा रही है, साल हो गए हैं। फिर कहते भी वही मेरे दिमाग में आया कि कहना नहीं चाहिए, मैंने तब की सोच देहाती हो रहा था, घंटों को साल में कह रही होगी देखो इतनी मार काट हो चुकी है, पता नहीं वो किसी को आया नहीं लेकर, मुझे मुझे तो लगता है वो आएगा नहीं, उसको भी मार काट दिया। तो वो कहते हैं बीबी कौन सी मार काट हुई है, यहाँ तो सब ठीक है, अभी हुई तो है यहाँ पर, देखो वो बन गया है ना, दूसरा देश बन गया है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं, मेरा पति भी लगता है मुझे छोड़ कर चले गया है। वो कहते हैं आज़ादी पार्टीशन हुई तो बड़ा टाइम हो गया, ये कौन से ज़माने की बात कर रही है। वो कहता भी मैंने ना मतलब पीछे मुड़ा नहीं, तो मैंने कहा कि आप कौन सी बातें कर रही हो, कौन सा पति, किस पति की बात कर रही हो, किस समय की बात कर रही हो, आप पागलों जैसी बातें कर रही हो। कहते अब ये कहने की बात है ये साइकिल ना मुझे भारा भारी भारी लगना शुरू हुआ। अब कहती जो लेडी थी, कहते मैंने उसके दादा जैसे कहते, कहते नीचे देखा तो उसके जो पैर थे ना वो ऐसे उसने रख दिए, और पैर उसके स्टील हैं, साइकिल आगे चल रहा है बड़े होते जा रहे हैं। कहते हैं फिर मेरी कहता सिट्टी पिट्टी हो गई गुल, तो पैर मतलब लंबे होते हाँ हैं पैर जाते वहीं हो पे है, भाई। फैंटास्टिक फोर हो गया जहाँ पे वो होता है ना, एक उसमें एक करेक्टर है कि वो बड़ा लंबा है, तो वो कहता पैर मेरे उसके उसके लेडी के कहते पैर वहीं पर लगे हैं, वो भारी साइकिल होती है वो, मतलब जैसे ना इलास्टिक की तरह आगे जाते हैं। हाँ
कहते मैं बस एकदम लड़खड़ाया, कहते मैं साइकिल छोड़ा, साइकिल छोड़ के मैंने देखा भी नहीं कि क्या है वो चीज़ क्या है। कहते एकदम भागा भागे, कहते आ गया एकदम आ गया आर्मी का ट्रक। तो आर्मी के ट्रक ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाई। वो कहते क्या, कहते वो जी वो वहाँ पर ऐसा ऐसा सर, वो कहते क्या कोई पीप हुई है, कहते उन्होंने चेक किया मुँह कि नहीं है तो बंदा सूफी है ठीक है। कहते वहाँ पर जब जाके देखा तो साइकिल ही सिर्फ पड़ा हुआ था और कुछ नहीं था। तो कहते हाँ एक चीज़ थी कि जो कैरियर था साइकिल का वो थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ था, जैसे वहाँ पर कोई बड़ी भारी चीज़ रखी हो। कहते इसके अलावा कोई निशान नहीं था। कहते भाई मैंने, दादा कहते मैंने कर ली तौबा कि मैं आज के बाद यहाँ पर नहीं आता, इस रास्ते और से ना नहीं ये चलता। साइकिल लेके जाऊंगा। हाँ साइकिल का तो उसने कर दिया ना, मुहूर्त कर दिया, जो बैंड हो गया। तो अब ऐसी जो ऐसी स्टोरीज होती है ना, ऐसी स्टोरीज में थोड़ा सा आता है क्योंकि देखो तब का ज़माना था, मारकाट हुई थी, सबको पता है, तो ऐसी चीज़ें कॉमन थी तब। अब ऐसा ही एक और है, इसमें एक रिटायर फौजी थे, जी तो उनका एक नहर के किनारे प्लॉट था, नहर के किनारे प्लॉट था और काफ़ी ज़्यादा रकबे का प्लॉट था, और उसमें उन्होंने फल सब्जियां बड़े बड़े पेड़ उगा के यानी कि बाग बनाया हुआ था, और पास से ही नहर बहती थी। और चलो अब वो रिटायर हुए, उन्होंने अपना जितना जीवन जिया, जाने को दुनिया से समय हुआ, चले गए। अब उनके बेटों ने सोचा कि देखो जी हमारे पिताजी को ये सब कुछ पसंद था, अब वो चले गए हैं, हमारा अब ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है, ज़मीन बेच के जो पैसे पूसे हम एकत्रित करते हैं और चलते हैं। तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि भैया ये प्लॉट है, जाके देखो और देखो क्या रेट लगता है। कहते ठीक है। तो कहते वो प्रॉपर्टी डीलर ने जो टाइम टूम दिया अगले दिन, वो वहाँ पर प्लॉट पर चले गए। प्लॉट पर जाने के बाद अभी वो थोड़ा सा प्लॉट को घूम के देख रहे हैं, उनको एक लेडी दिखी जो मंजी डाकर बैठी हुई थी, बुजुर्ग सी लेडी थी। उन्होंने देखा कि भाई प्लॉट है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए मेल, एक बूढ़ी लेडी इतने उजाड़ में यहाँ पर क्या कर रही है। कहते ही वो जब गए वहाँ पर तो उसकी जो शक्ल थी ठीक ठाक थी, झुरियाँ झुरियाँ पड़ी थी उसकी वजह से थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ जाता है चेहरे का, लेकिन ऐसा नहीं था कि डर लगे। वो कहते हैं कि लेडी ने देखा उसकी तरफ तो आंखें थोड़ी सी ना अजीब थी, तो चलो खैर उन्होंने इतना गौर नहीं किया कि ठीक है उम्र का तकाजा। कहते अब वो कहते हैं कि माई मैं तो यहाँ पर प्लॉट था जो अपने मेजर साहब थे या जो भी थे लेफ्टिनेंट थे, तो वो तो अब जा चुके हैं, तो उनके बेटों ने सोचा है कि हमने प्लॉट को बेचना है, तो मैं ये बस प्लॉट देखने आया। अब कहते इतनी कहने की बात थी, वो लेडी के हाव भाव चेंज होने लग पड़े और वो गुस्से से एकदम उठ गई, जैसे कोई जवान आदमी बुजुर्ग आदमी वो उठते हुए टाइम लगाता है। कहती किस प्लॉट की बात कर रहे हो, ये ज़मीन मेरी है और इसका जो एक्स वाई जी उनका नाम था वो मेरे साथ वादा करके गया था कि ये जो ज़मीन है वो तेरी रहेगी, तुझसे कुछ छीन नहीं सकता। वो कहते हैं वो बीबी पागल हो गई है, बच्चों ने बच्चों के नाम ज़मीन है, तेरे को कौन सा वादा करके गया है, उनकी मर्जी है बेचेंगे। वो कहते भी बड़ी ना गर्मा गर्मी बहस बताई होने लग पड़ी। कहते अब क्या हुआ कि मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पागल पुगल होगी बुढ़िया। कहते मैं वो करके मुड़े, अब जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अब मैं इस पहले इस एंगल पे आऊँगा फिर उस एंगल में जाऊँगा, मतलब 1 सेकंड का टाइम लगेगा, जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकंड। कहते मैं इस एंगल से मुड़ के उस एंगल होगा बुढ़िया सामने, ऐसे ही तो करने कितना टाइम लगा। वही कहना ना। कहते बुढ़िया सामने, कहते बात पूरी करके जा मेरे साथ। कहते वो बंदा वहीं पे बेहोश, कहते बात क्या पूरी करनी है, एक पीछे पड़ी है वो, उसने मतलब घूम के हुआ था बिल्कुल सामने खड़ी उसके। तो कहते भाई उसको होश आई, उसने की तोबा की मैं तेरा प्लॉट नहीं बिकाता। और उसके बाद कहते कि प्लॉट मतलब वो जब उनके बेटों को बात बताई शुरू में तो वो माने नहीं, लेकिन उन्होंने फिर थोड़े बहुत प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ कांटेक्ट किया। कहते वो हुआ ही नहीं, कभी बिका ही नहीं प्लॉट वो वाला, और वो नहर है जो अब वो भी सूख चुकी है, मे बी अदर रीजन सूखी होगी, ऐसा नहीं है कि वही पार्ट भी सूखी होगी, तो वो अब सारा उजाड़ को उजाड़ वैसे ही अनसोल्ड पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि भाई उनके पिताजी ने किसी एंटिटी के साथ प्रॉमिस किया हो कि भाई आपकी चीज़ है आपके पास रहेगी, हमारे फैमिली को परेशान मत करना, तो चलता रहेगा काम, और जब बेचने की बात आई तो
गुस्सा होने वाली बात तो बनती थी। तो ऐसी जो स्टोरीज है ना, इंसिडेंट है, स्टोरीज है, व्हाट्स एवर, लेकिन चलो कुछ ना कुछ लॉजिक नजर आता है, ऐसा कुछ होता है, तो इसमें बात करने का भी अच्छा मज़ा आता है, आई थिंक व्यूअर्स को सुनने में भी अच्छा लगता होगा। वही बात है, थोड़ा सा थ्रिल मिलता है। हम हाँ मतलब इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे, अंधविश्वास तो हम नहीं फैलाना नहीं, चाहते। देखो अंधविश्वास क्या होता है जी विकास भाई, अंधविश्वास क्या होता है, जिस चीज़ का लॉजिक ना हो हाँ, वो चीज़ वो चीज़ अंधविश्वास है। अंधविश्वास एग्जैक्टली है ना, जिस चीज़ का कोई पर्टिकुलर लॉजिक है ना उसको हम अंधविश्वास नहीं कह नहीं सकते। कह सकते। हम किसी को यहाँ पर कह नहीं रहे कि आप मानो। देखो भाई आपके इस वीडियो में या आपके इस चैनल में जो सुनने आए हैं वो ऑटोमेटिकली विश्वास करते हैं तो सुनने आए हैं, तभी सुनने आए हैं। और वो अच्छा सुनने आए हैं, वो हवाई बातें नहीं सुनने हैं राइट, एकदम। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि रियल जो इंसिडेंट्स हैं वो हाँ आए। वो मतलब अब देखो इन्होंने बताए हैं, अब हो सकता है कि इनमें से क्या सच है क्या नहीं, पर फिर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि एक्चुअली इसको डिस्कस किया जा सकता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो स्टोरीज है उसमें और भी कई स्टोरीज हैं जो मुझे भेजी हैं मेरे व्यूज़ ने, तो मैं ही अभी इस बार ही आपको सारी बता दूंगा, तो फिर अगली बार तो कहोगे टाटा बाय बाय, जी बस हो जी गया बहुत ज़्यादा दूसरा मैं चाहूँगा क्या। कि जो हमारी ऑडियंस है पिछली बार की तरह दोबारा से प्यार दिखाएं, और भी ज़्यादा प्यार बिल्कुल दिखाएं बिल्कुल, मैं इस। सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा, और इतनी मतलब स्टोरीज, मतलब लोगों ने मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी। और हाँ जो भी ज़रूरी नहीं कि मुझे आप टाइप करके भेजें, अगर आप कंफर्टेबल है ऑडियो भेजने में वो भी आप मुझे भेज सकते हैं, और ईमेल आईडी मैं आपको बता दूंगा, आप मेंशन कर देना जो ईमेल करना चाहें, इंस्टा नहीं कई यूज़ करते वो ईमेल भी भेज सकते हैं। और प्लीज़ बी जेन्युइन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चाहते हैं कि स्टोरीज़ मैं बोलूँ, और उसके लिए उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए, हो सकता है आपने कहीं से सुनी हो वो भी आप बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हुई हो। हाँ शेयर करने से पहले एटलीस्ट आप भी कंफर्म करें कि हाँ ये चीज़ ऐसी हो सकती खुद है। एक बार एनालाइज कर लें उस चीज़ हाँ को। बिल्कुल 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 जी सही बात, तो वही मैं दोबारा से ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आई एम प्रीटी श्योर कि ये पॉडकास्ट मुझे ज़बरदस्त लगा होगा, डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अपने जो भी फीडबैक्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सुनील भाई है, इनके सारी ही डिटेल्स, अब तो पिछली बार एक चैनल की बात हुई थी, इस बार तो दो दो चैनल बिल्कुल हैं, बिल्कुल वो सारी ही डिटेल्स, इनका नया इंस्टाग्राम, इनका नया चैनल, इनका ईमेल, सब कुछ जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का उसमें अवेलेबल है। बाकी आप सुनील भाई से क्या क्या सुनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एक पॉडकास्ट और हो इनके साथ में, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया इनके पास ढेर सारी स्टोरीज हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी तो मैं तो डेफिनेटली अभी चाहूँगा और सुनील आएंगी, भाई इसके बाद और आए। आएंगी। जी और दूसरी बात कि लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर उनको हमारा पॉडकास्ट, हमारे चैनल का जो भी कंटेंट है, आपका जो कंटेंट है वो जो भी पसंद आता है, तो दोनों को ही मिलकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नहीं भाई पहले, सबसे पहले विकास भाई के जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि जब लास्ट टाइम मैं आया था भाई के 22,000 के आसपास थे, और डबल हो चुके हैं सब्सक्राइबर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अगली बार जब आऊँ तो भाई के पीछे जो खाली है ना जगह, वहाँ पर एक सिल्वर बटन लगाओ, तो टारगेट का आपको पता लग ही गया कि मैं किस टारगेट की बात कर रहा हूँ। जी डेफिनेटली अगली बार मिलेंगे तो आई विश की सिल्वर बटन हो हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सुनील भाई सच बताऊं ज़बरदस्त लगा आपके साथ बात थैंक यू करके, सो मच भाई, स्टोरीज थी एकदम थ्रिलिंग थी, एकदम रियल थी, मतलब देख कर ही पता लग जाता है ना कि जेन्युइन है नहीं है, बिल्कुल ठीक तो है वो बिल्कुल चीज़ ठीक मैं है। कहना चाहूँगा। बाकी सुनील भाई आज के लिए इतना ही, हम बहुत ही जल्द दोबारा से मिलते हैं। ओके भाई थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली बार। जी भाई।